सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 10 बज चुके हैं और आज मॉर्निंग में 8 बजे उठ गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं सीधे जिम गया उठ के, क्योंकि 2-3 दिन से आया मैं जिम वगैरह नहीं जा पा रहा था क्योंकि मैं दिल्ली चला गया था। और इसीलिए मैंने ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाला, मतलब हाँ दिल्ली में जाके मतलब ब्लॉग शूट तो किया है बट उसे अभी तक एडिट वेडिट नहीं कर पाया हूँ। बट उसे एडिट करूंगा, फिर उसके बाद उसे अपलोड करते हैं। बट आज ये देखो, जैसे मतलब मैं आज आया हूँ ना घर पे, तो ये राजा को मैंने पिंजरे से खोल दिया था और ये देखो आके आराम से कहाँ बैठ गया है, कंधे पे बैठ गया है और अब बहुत आराम से बैठा हुआ है और यहाँ से मतलब जाने का अभी नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि मतलब मैं इसे काफ़ी दिन में मतलब 2-3 दिन में इसे देखने को मिला हूँ ना। और आज जो बनाया है खाने में, ये बनाया है आलू की सब्जी और पूड़ी। तो अभी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद ना आज मुझे बहुत सारा काम है, मतलब मुझे मार्केट भी जाना है, मुझे बैंक भी जाना है और एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि मेरे जो प्रोजेक्ट है ना मुझे उन्हें कंप्लीट करना है। तो गाइस वो सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद टिया दिया आ जाएंगी 2 बजे के करीब, फिर उसके बाद मैं आपसे आके मिलता हूँ। आया हूँ तो ये देखो अपना बाबू, ये खेलने में लगा हुआ है और ये हमारी गौरा मैया है, ये हमारी गौरा मैया है और ये हमारे कन्हैया जी हैं। कन्हैया ये है कन्हैया जी और ये है हमारी गौरा मैया और ये इस टाइम बाबू के साथ में यहाँ पे खेल रहे हैं और मम्मी सुबह ही सुबह यहाँ पे बैठ के आराम से धूप सेक रही हैं और उधर देखो हमारी चाची जो हैं वो हंसे जा रही हैं। बस यही चल रहा है। तो अभी यहाँ से मैं सीधे काम के लिए निकलता हूँ और बाय 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 कर दो बाबू, बाय बाय रुद्र, बाय टाटा, बाय बाय कर दो सब, ओ बाय 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 बाय। तो ये मैं अभी बाहर से काम करके सीधे घर आया हूँ। तो ये देखो रुद्र, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। इसने ऐसा टोपा पहन रखा है ना और गेट क्या हुआ ये क्या हुआ था? हाँ क्या हुआ था? तो ये अभी पाकी होटी स्कूल से आई है। अब मैंने ना इन्हें मतलब यहाँ स्टेयर्स पे बैठ के ना बैंकर वाला डरा दिया, दोनों डर गई, तगड़ा वाला ये। सो गाइस अभी 3 बज चुके हैं और मतलब मैंने अभी एडिटिंग वगैरह यहाँ पे अपनी कंप्लीट की है, मतलब मुझे कुछ काम था और हमारे यहाँ ना ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए देखो अभी मैंने यहाँ पे ना ट्रैक वगैरह डाल दिया है। और दिया जो है ना स्कूल से समथिंग 2 बजे आ गई थी, उसके बाद ये ट्यूशन वगैरह अपने पढ़ने बैठ गई। बट जब ये आई ना तो मैंने जो है ना इन दोनों को आज पैर नीचे ही डरा दिया और सबसे ज़्यादा तो ये डरी थी खतरनाक वाली। कैसे डर लगा था भाई? डर लगा था या नहीं लगा था? और सच में बंदर आ जाता तो? हाँ तू अगर सच मैं नहीं होता वहाँ पे, सच में बंदर आ जाता तो क्या होता? भाग जाती। अच्छा उससे मतलब लड़ने मरने का वो नहीं है कि उसे भगा भगा दूं? तो ये खतरनाक वाला ना डर गए थे एकदम, इन्होंने ऐसे सोचा कि जैसे बंदर आ गया है, कुछ कह रही है, बता भाई। ये भगा देता बंदर को देख के, मतलब उससे ही डर गई तो बंदर को क्या भगाती। तो गाइस अभी टाइम हो गया, मतलब थोड़ा चाय वाय पीने का मन कर रहा है, तो चलिए चल के चाय बनाते हैं। तो गाइस अभी 6 बज चुके हैं और ये जो है ना बहुत देर से मेरे साथ रुद्र जो है ना खेले जा रहा था, अभी बहुत देर इसके साथ में खेला। तो अभी मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, दरअसल क्या है कि हमारे मतलब जो चाचा की बेटी है पड़ोस में उसकी शादी है, तो थोड़े उसके कार्ड वगैरह मतलब बंटवाना है। तो अभी मुझे एक मतलब भैया के यहाँ जाना है, तो सीधे मैं अमन को बुलाता हूँ और सीधे उनके यहाँ जाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं शादी का कार्ड देने और इस वक्त मार्केट में आ गए हैं, लेकिन मार्केट में देखो रात हो चुकी है 6 बजे और आजकल मतलब ठंड में क्या होता है, विंटर में अंधेरा हो जाता है। और इस वक्त ये हमारी मार्केट का पूरा व्यू है, आप देख रहे होंगे इधर भी मतलब कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, इधर भी कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। तो दो दोस्त आ गए थे बिल्कुल जस्ट
बगल में बाइक लगा दी तो मैं एकदम डर गया कि पता नहीं कौन आ गया और मेरा फोन वोन ना ले जाए, इसलिए। तो ये उनकी गली है और यहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा सब्सक्राइबर भी है जिनके हम कार्ड देने जा रहे हैं मुजम्मिल भाई के वहाँ, बहुत ही प्यारा है, अभी चल के आप लोगों को उससे मिलाता हूँ। ये देखो ये हमारा छोटा सा सब्सक्राइबर है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, इससे मिलने आया हुआ है। गाय का दीवाना है ये, गाय का क्रेज खत्म हो गया, गाय का क्रेज खत्म हो गया, गाय से मिलना है, कुछ बोल ही नहीं रहा है कैमरे के सामने से, तुम्हारा है भी। तो हमने कार्ड दे दिया है, छोटा सा सब्सक्राइबर भी आपने देख लिया होगा, वो हमारी वीडियो देखता है। और अभी यहाँ से जा रहे हैं कहाँ, दूसरी जगह हमें कार्ड देना है, तो थोड़ी दूर पे ही है, मतलब सिटी में पास पास में घर है, तो मतलब सिटी के अंदर जो हमारे मतलब जानने पहचानने वाले हैं उन लोगों को शादी वगैरह का कार्ड दे रहे हैं। हमारे साथ तोपट हो गया, ये देखो विशाल आगे, और हमें मतलब जाना था पीछे पर मैंने था इस वाली गली में और हम चले गए थे मतलब बिल्कुल सीधे, तो अभी यहाँ से सीधे उनका घर है इस गली को आगे पार करने के बाद। कि आप जितने भी बाइक वाले देखोगे ना और स्कूटी पे देखोगे तो लोगों ने बहुत कम यहाँ पे मतलब हेलमेट का यूज कर रखा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब अगर आप राइडिंग वगैरह करते हो तो आपको हेलमेट लगानी है। देखो अंकल को देखो, हेलमेट नहीं लगा रखा है और रोड क्रॉस कर रहे हैं। अभी मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा कि कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है। देखो दो भाई चल रहे हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा ना मतलब गलत है कि अगर आप राइडिंग वगैरह करते हो तो आपको हेलमेट बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है लगाना। तो ये देखो तेजी से गया, इसने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है। ये देखो दो अंकल जा रहे हैं, इन्होंने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है। यार तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है कि मतलब हमारे शहर में तो हेलमेट को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज़ यार हेलमेट को फॉलो करना शुरू कर दो, हेलमेट लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वगैरह। तो देखिए हम आ गए हैं और यहाँ पे जो है ये देखो अपनी स्कूटी ये खड़ी है, इससे गए थे और ये अमन बाइक चला रहा था। तो अभी यहाँ से जाके मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम है और इसे पहचान लो, ये अमन है ठीक है, और ये एकदम मेरा छोटा भाई है। तो कार्ड वगैरह तो हमने मतलब दे दिए हैं और उसके बाद सीधे मेरे दूसरे काम है, वो चल के करते हैं। 8 बज चुके हैं और ये देखो ये यहाँ पे क्या खाई जा रही है, मैगी। ये जो है ना इस टाइम मैगी बना के, खुद बनाई है भाभी ने बनाई है, मम्मी ने बनाई है। चलो ठीक है, बहुत स्पाइसी हो रही है, बहुत अच्छी। ये पाकी है जरा, ये कुछ दिखाने वाली है, क्या दिखाना है बताओ। ये जो है ना ये टिया की चॉकलेट है, और इस चॉकलेट को ना इस चॉकलेट को हम लोग ना छुपा देते हैं। यहाँ भी खाना बन रहा है, ये जो देख रहे हो गाइस ये रोटी जो है ना, इतनी बड़ी बड़ी रोटी, ये जो है ना ये चेरी की रोटी है, ऊपर मतलब चेरी खाती है इस वाली रोटी को। यहाँ सब्जी वगैरह रखी है, इसमें दाल बन गया, और यहाँ देखो ये भाभी जो है कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पे, और ये तो अपना भैया मैगी खाने में लगी हुई है, वाह मजे से। बाकी और टिया तो मैगी खाने में लगी हुई है, और ये भाई साहब देखो ये पकड़ के मुझे कैसे कर रहे हैं, चचा चचा चचा, ये पूरे दिन ऐसी करता रहेगा, मेरी टांग पकड़ के लटक जाएगा, कभी मेरा लोअर पकड़ के लटक जाएगा, तो इसका यही काम है पूरे दिन ऐसे करना पड़ना। A few moments later. भाई अभी 10 बज चुके हैं और अभी काफ़ी मेरे सर में दर्द वगैरह हो रहा है, तो इसलिए मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि मतलब सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के एडिटिंग वगैरह कर लूँगा, इस वाले ब्लॉग को कंप्लीट कर लूँगा। और ये देखो पाकी जो है ना, ये जो है अम्मा वाले रूम में बैठी हुई है, ये हमारी ना मम्मी का रूम है, और जैसे ही कैमरा देखा इसकी तरह से एकदम एक्साइटेड होकर आती है। तो मम्मी जा रखे हैं आज मतलब ड्यूटी जा रखे हैं, तो मैं और पाकी ना यहीं पे सोने वाले हैं। तो आपने आज जो कुछ भी हमने दिन में किया आपने देख ही लिया होगा, तो आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बताओ फॉलो कैसे सब्सक्राइब।